दोस्तों, मैं सोनू कुमार घुमक्कड़ के इस नए एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूं देहरादून। देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में FRI भी कहते हैं। काफी बेहतरीन कॉलेज है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इस कॉलेज को 1906 में बनाया गया था, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था। इस इंस्टीट्यूट में करीब दर्जनों मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे कि दुल्हन एक रात की, कृष्णा कॉटेज, रहना है तेरे दिल में, 404, पान सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, दोनों की शूटिंग यहीं पे हुई है। उसके बाद दिल्ली खबर, यारा, जीनियस, डियर डैडी, ऐसे तमाम मूवी की शूटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और कई एल्बम की भी शूटिंग आपको यहाँ पे हमेशा होती रहती है। देख रहे होंगे इस कॉलेज का जो आर्किटेक्चर है, वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। और इसका जो कैंपस है, वो भी काफी एरिया में फैला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यह एक टूरिस्ट पैलेस इसको बना दिया गया है देहरादून में। ऐसे यह एक कॉलेज है और यहाँ पे अभी भी पढ़ाई होता है। यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड डिग्री की कोर्सेज हमेशा चलते रहती है। नए नए लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ्स हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको फॉरेस्ट का जो एग्जाम होता है, उसके द्वारा यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग दिया जाता है। यानी कि पूरी तरह से एक गवर्नमेंट कॉलेज है और काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका लोकेशन आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। यह देहरादून में स्थित है, देहरादून के बीच शहर में आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसके जस्ट बगल में इसका बाउंड्री के जस्ट बगल में आपको FRI का बाउंड्री देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़े कैंपस में काफ़ी बेहतरीन जगह। अगर आप कभी देहरादून जाते हैं तो आप कॉलेज को घूम सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है और यहाँ पे आपको एंट्री टिकट भी लगता है। टिकट करीब 30 से 40 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे एंट्री टिकट लगेगा, और आप जितना देर रुकना चाहते हैं उतना देर आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे आपको नॉर्मली मूवी की शूटिंग आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे एल्बम की शूटिंग हमेशा होते रहता है और कई एड्स भी यहाँ पे शूट किए जाते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। I'm